संभाल लेकर क्यों नहीं गए? मुझे आखिरी वक्त तक मैं यही समझता रहा कि दाई ही सब संभाल लेगी, लेकिन दाई भी अभी अभी जवाब देकर चलेगी। अब इस मतलब की वजह से अगर होने वाले या तुम्हारी बीवी की जान चली जाती तो माफ कर सकोगे अपने आप को? मेरे खुदा, समीना को अपनी अमान में रखना। सुनो, मुबारक हो तुम्हें, बेटा हुआ है। माँ बेटा दोनों खैरियत से। हमारी दुकानें गिराने आ गए हैं। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई दुकान नहीं गिराएगा। पहलवान, अपने आदमियों को रोको, क्यों गरीबों की बद्दुआ लेते हो? ए, बद्दुआओं से मैं डरता नहीं और दुआओं की मुझे जरूरत नहीं। जो रास्ते में आएगा जान से जाएगा। गिरा दो सब। ये सरासर बदमाशी है, ज्यादती है। हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। कानून मेरे हक में फैसला दे चुका है, इसलिए कि इस जमीन का मालिक मैं हूं। कानून को धोखा दिया है तुमने। एक बेवा के बेटे को हेरोइन का आदि बनाकर चंद चुटकियों के इवज ये जगह अपने नाम लिखवाई है तुमने। बकवास नहीं, बकवास नहीं चाहिए। अकबर, तुम मार खाने और जिल्लत उठाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। लगता है तुम्हारा दाना पानी यहां से खत्म हो गया है। गिरा दो यार, गिरा दो। अकबर,
सो रहे हैं? यहाँ मार्केट बंद है ना बेटा, अब यहाँ हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। मैं भी बड़ा आपका मार्केट बनवाऊंगा, क्या सारी दुकानें गरीबों की होंगी। बड़े कॉलेज में दाखिल होने से कौन रोक सकता है? काम छोड़ और मेरे साथ चल। किधर जाना है, क्या हो गया? अकबर साहब ने तेरी फरियाद सुनने के लिए वक्त दे दिया है, चल मेरे साथ।
मैं जरा मलिक साहब को बता दूं। अरे जन्म में जाए मलिक साहब, चलने अच्छा, वाली बात क्या है? तो सही चलने वाली बात क्या? चल आवाम की जान, हुकूमत की पहचान और पार्टी की आन। बस 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 बस, मैंने बड़ी मुश्किल से दो मिनट निकाले हैं तुम्हारे लिए। हाँ जल्दी बोलो, क्या काम है? अरे साहब जी, अकबर अपना पुराना जिगर जान है, वेल्डिंग का काम करता है और आपका पक्का वोटर है साहब जी। आओ अकबर, सलाम करो साहब को। आओ आओ। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो भाई, क्या मसला है तुम्हारा? मुझे एक ही बेटा है मेरा, आलम नाम है उसका, 2 साल से प्राइवेट इम्तहान दे रहा है, करीब होना जी, इसलिए किसी कॉलेज में दाखला नहीं मिलता। अगर आप इस दरखास्त पर दस्तखत कर देंगे तो किसी बड़े कॉलेज में दाखला मिल जाएगा उसे। बड़े कॉलेज में क्यों दाखला दिलवाना चाहते हो? बस एक ही ख्वाब है मेरा, वो पूरा हो जाए तो और कोई ख्वाहिश नहीं है दिल में। हाँ भाई लाडले, क्या कहते हो? साहब जी आप तो पैदा ही गरीबों के लिए हुए हैं, मेहरबानी फरमा दे। तुम अच्छे आदमी हो लाडले, हमारे हर जलसे में होते हो, हर जुलूस के आगे आगे भंगड़ा डालते हो, तुम्हारी बात कैसे टाल सकते हैं? ये लो, और कुछ? साहब जी 2-400 सीमेंट की बोरी का ऑर्डर कर दे। वो किसकी? अरे तेरा काम तो हो गया, चल के भाभी को मुबारकबाद दे, मैंने थोड़ा सा काम करवाना है। साहब जी बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा सादा आदमी है। बीवी, ओ बीवी, ओ बीवी किधर रह गई है? हाँ? अरे यही हूँ बाबा, कहाँ जाना है मुझे? इधर आ, इधर इधर। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज मैं अपने और तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर लेकर आया हूँ। पूछ क्या ताबीर है? आलम को कॉलेज में दाखिला मिल गया। वो जानी है ना, वो ले गया था मुझे साहब के पास। ये देख, उन्होंने दरखास्त पर दस्तखत भी कर दिए। हाँ। अब हमारा बेटा बड़े कॉलेज में जाएगा और इंशाल्लाह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वो है किधर? समीना जी, समीना तुम जाके आलम के लिए जल्दी से पराठा बना दो। मैं स्त्री तो कर लूँ ना। अरे स्त्री मैं कर देता हूँ, मैं असली घी भी लाया हूँ। अच्छा ठीक है। अबू ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मैं खुद कर लेता हूँ। नहीं बेटे, आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है ना, इसीलिए हम ही तुझे तैयार करवाएंगे। ये ले तेरे कपड़े तैयार हो गए, इन्हें पहनकर फटाफट तैयार हो जा और जल्दी से आके नाश्ता कर ले, मैं तेरा इंतजार करता हूँ। हाँ जल्दी से आ जा। आलिम, आलिम आजा बेटा नाश्ता कर ले। ये ले। नहीं नहीं हाथ नीचे रख, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाथ नीचे कर, मैंने कहा मैं खिलाऊंगी ना। मैं चलूं अबू? जाओ। लेकिन कॉलेज के गेट में कदम रखने से पहले इस बात का जरूर ख्याल रखना बेटे कि तुम्हारे बूढ़े बाप की आंखें सारा सारा दिन वेल्डिंग करते हुए चिंगारियों पर लगी रहती, लेकिन फिर भी रात को इन आंखों में तुम्हारे बड़े आदमी बनने के ख्वाब सजे रहते हैं। अब तुझे ही इन ख्वाबों को पूरा करना है। मैं आपके ख्वाब पूरे ना कर सका तो अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा बाबू। हर कारोबारी खत का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई फंक्शन होता है। हर कारोबारी खत का मकसद किसी से मालूमात हासिल करना और किसी को मालूमात फराहम करना होता है।
सुनो, ये क्लासरूम में आने का वक्त है? हम वक्त के नहीं, वक्त हमारा गुलाम है प्रोफेसर। शट अप, क्लासरूम से बाहर जाओ। सोच लीजिएगा सर, हम जावा के मानने वाले हैं। अगर हम लोग क्लासरूम में नहीं बैठेंगे तो सुनो प्रोफेसर, यहां कोई नहीं बैठेगा। ए, आउट, गेट आउट, आउट। तुम यहां क्यों बैठे हो? आउट। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बैठो बैठो। तुम डरे नहीं इनसे? मुझे मेरी मां ने हिदायत की थी स्कूल और कॉलेज में उस्ताद का हुक्म मत टालना। आपका हुक्म नहीं था, नहीं गया। क्या नाम है तुम्हारा? आलम। God bless you. अब तुम जाओ, वरना जावा तुम्हें तंग करेगा। जावा कौन है? स्टूडेंट्स यूनियन का सदर है 5 साल से, और ये सब उसके चेले हैं। मैं उसका चेला नहीं बनूंगा। आप ये मत सोचिए वो मेरे साथ क्या करेंगे। उन्होंने आपके साथ क्या किया है और अब आपको क्या करना है? मुझे तो पढ़ाना है, चाहे एक ही स्टूडेंट क्यों ना हो। पैसे की फिक्र मत करो, पैसा तुम्हें मिलता रहेगा। पैसा बहुत है काली के पास, समझे मेरी बात? और सुनाओ, सब ठीक है? जावा, देखता नहीं बात कर रहा है। और बोलो कैप्टन साहब, क्या करना है? काली का हुक्म है, 25 तारीख को स्ट्राइक होनी चाहिए। हो जाएगा, और कुछ? बस, जाओ। हाँ बोलो। कौन है वो? न्यू एंट्री, आज ही से एग्जिट दे दो। क्या बात है भाई? कॉलेज में रहना है तो सिर्फ चावा के हुक्म पर चलना होगा। एक सबक मैं भी तुम्हें दूंगा, आइंदा इनके मुंह ना लगना। इनके मुंह से बू आती है, ये इस कॉलेज का गंद है। इनकी पुश्त बनाई बहुत सारी ताकतें करती हैं, हम तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। चलो। क्यों नहीं कर सकते? कॉलेज में सबके इक्वल राइट्स हैं। राइट्स की बात करोगे तो पढ़ने से भी जाओगे, फिर सिर्फ टिशम टिशम होगा। मेरी जान, क्लासरूम का मुंह नहीं। आधा दिन कॉलेज में पढ़ाई और आधा दिन वर्कशॉप में मजदूरी। आओ, तुम्हें अपनी इस दुनिया के दोस्तों से मिलवाऊं। पाने पाने, ओए बंद करो, जल्दी आओ जल्दी। हाँ आ जाओ। इंजन की बात चूल्हा उस मेरे के चूल्हे में कुल्लो उस फिर जो उच्च पा की जा पचान का कुर्चों
इससे मिलो, ये हमारा यार खास है, और इससे मिलो, ये पाना है, ये स्टेयरिंग है, ये साइलेंसर है, देखो धुआं छोड़ छोड़ के काला हो गया है, इससे मिलो, ये है व्हील कप। मैं व्हील पाना? व्हील पाना, और इन सब चीजों को ठीक करने के लिए चूहा प्लास। इन सब चीजों को मिलाओ तो एक मुकम्मल गाड़ी बनती है जो तुम्हें फ्री मिल सकती है। बेटा इस ट्रक का भी तारुफ करवा दो। इनसे मिलो, ये इतना पुराना ट्रक है कि अपने साथ की सारी बसें मार दी। नहीं बेटा, मारी नहीं है बसें, इस ट्रक ने हर बस की बस करवा दी है। ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे बाप भी, मेरी माँ भी, मेरा सब कुछ यही है। बेटा तुम इसके दोस्त हो, पता नहीं तुम्हारी इससे पहली मुलाकात है या सौवीं, अलबत्ता मैं इसको बड़ा पुराना जानता हूं। ये मेरी वर्कशॉप का कॉर्पोरेटर है, कॉर्पोरेटर यानी दिल। तुम इसके दोस्त हो बेटा, हमारे लिए काबिल इज्जत हो, तुम्हारी गाड़ी का कोई भी काम हो इस वर्कशॉप में फ्री। जी मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं। नहीं है ना, मुझे पहले पता था तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है। यहाँ जितनी गाड़ियां खड़ी है बेटा सब तुम्हारी है, जो गाड़ी पसंद आ जाए ले जाओ। ये जो मेरा हीरो है ना, ये भी ऐसे करता है, रोज नई गाड़ी ले जाता है, छाणेबाजी, हर लड़की को लाइन देता है, बदमाश है बदमाश। जबानी बम बम जाने मन आजा हम
मजे में हो जाएगी बिल्कुल बम बम मेरे ख्वाबों की ताबीर तू मेरी चाहत की जंजीर तू बिल्कुल बम बम लड़ाई को सुना है तुम्हारे बाबा टहले जा रहे हैं टहले जा रहे हैं अब मारूंगी हाँ हसरा है शरीर कहीं का मुझे खुशी है कि तुमने अपने उस्ताद की इज्जत की खातिर मार खाई लेकिन ये कैसा बड़ा कॉलेज है जहां बच्चे उस्ताद की इज्जत नहीं करते मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज जाऊंगा सर ये मेरे अबू हैं अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह बड़ा सादतमंद बच्चा है आपका जी हमने इसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था लेकिन वो पहले ही दिन लड़ाई झगड़ा कुछ वो सब एक उस्ताद की इज्जत के लिए था यहाँ एक टोला है ऐसा बदमाश किस्म के लड़कों का बहरहाल मैंने प्रिंसिपल साहब से शिकायत की है सब ठीक हो जाएगा आप फिक्र ना कीजिए घबराइए नहीं आओ बेटा झगड़ा और ऐसी जगह पर बहुत बुरी बात है बेटे अच्छी और बुरी बात अपने बेटे को समझाओ तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो ताली मत दो मैं सिर्फ अपने बाप का बेटा हूँ अगर तुम हमारी शिकायत बनकर इस कॉलेज में आए हो तो इतना जान लो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं रहेगा
तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो या गुंडागर्दी करने आए हो? गुंडागर्दी करने आए हैं। कैसा समझाता है? बोल बुड्ढे, कैसा समझाता है? झाड़ों को समझाता है? बोल बोल बुड्ढे, बोल। अबू, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बाबू, पांव उलझ गया था मेरा। नहीं, इन्होंने धक्का दिया आपको? मैंने कहा है ना, मेरा पांव उलझ गया था। चल चला, चल। अच्छा, सुन बेटे, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना, समझ गया ना? जी अबू। इधर उधर नहीं देखना है तुझे, मैं चलता हूं। सर, ये उधर का ऑर्डर है। इस कॉलेज में हमारा ऑर्डर चलता है, न्याय है। लेकिन सर, ये उधर का ऑर्डर है। अबे सुनता नहीं, झाड़ा क्या क्या बोलता है? झाड़ा क्या क्या सामान चलाता है? बोल। जल्दी वापस आ गए, चलो चलते। Thank you.
आ भैया। तोबा तोबा, अल्लाह किसी दुश्मन को भी थाना ना दिखाए। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी जमानत कराई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं भाई, शुक्रिया अदा करना है तो मेरा नहीं, शुक्रिया अदा चल के मैं करो जिन्होंने मुझे भेजा है। लेकिन इस तरह नहीं, अपना हुलिया जरा दुरुस्त करो और वहां पहुंचो, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आलम है, मुझे इकबाल कहते हैं। बैठो। सुनाओ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कुछ कहा तो नहीं पुलिस ने? बस ये कहते कहते रुक गए। अगर आपके सेक्रेटरी थोड़ी देर और ना पहुंचते, उन्होंने तो इतना लंबा चित्र निकाल लिया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है उस चित्र से हम बच गए, वरना डॉक्टर को बताते हुए हमें शर्म आती कि कहां कहां लगी है। सर आप इसे तो समझाएं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, आज तो आपने बचा लिया है। नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा। बहुत अच्छे लगते हैं वो लड़के मुझे जो सीना तान के बुराई का सर कुचल रहे हैं। मुझे और भी खुशी होगी अगर तुम आगे बढ़कर यूनियन की बागडोर संभाल लो। जी मैं गरीब लड़का हूं। और गरीब ही को तो उठना है, गरीब ही को तो आगे बढ़ना है। करीम साहब। जी सर। इस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसे जिस चीज की जरूरत हो इसे दें, इसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझे आप? जी बेहतर सर, समझ गया, कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। आओ भाई ठहरिए, मुझे आपकी एक बात का शुक्रिया अदा करना है। नहीं नहीं, छोटी छोटी बातों का शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए, बहुत बड़ी बात का शुक्रिया अदा करना है। आपने मेरे गरीब माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा किया है। क्या मतलब? आपकी दस्तखत शुदा एप्लीकेशन पर मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला है। मैं वेल्डर अकबर का बेटा हूँ। तो मजदूर बाप के बेटे हो, मजबूत लीडर बन सकते हो। कल सीना तान के कॉलेज जाना। हम तुम्हारे साथ हैं। हम उसकी दहशत के गुलाम थे, तुमने उसकी दहशत को खाक में मिलाकर हमें आजाद कर दिया। लेकिन एक बात से होशियार रहना, जावा पीछे से कुछ भी नहीं, उसके पीछे एक ताकत है काली, उससे होशियार रहना। वो तुम्हें खरीदने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, अगर बिकोगे नहीं तो वो तुम्हें मरवा डालेगा। इस बात का सबूत वो रहा काली का आदमी। हे कैप्टन, मैं इधर हूं। अब तू कहीं भी नहीं है, तेरी कहानी खत्म हो गई। क्या मतलब? मतलब तुझे काली समझाएगा, मिल लेना किसी दिन काली से। मुझे तुमसे तन्हाई में बात करनी है। तन्हाई में क्यों? सबके सामने बोलो। काली तुमसे मिलना चाहता है। मुझे नहीं मिलना उससे। काली को जानते नहीं हो? वो मुझे जानता है, बस इतना ही काफी है। जाओ बोल दो से, अब उसकी दहशत का जनाजा उठ गया है इस कॉलेज से। करवा ले। है कहीं 25 पैसे में मुझ रही ना, सुन ले।
जी फरमाइए। बड़ी धूम सुनी थी, आ गए हमारे नए यारों को खुश कीजिए। ये बाजार का आम कोठा नहीं कि धूम सुनी और आ गए। यहाँ आने के लिए कुछ बैठिए। कहिए क्या चलेगा? रिक्शा चला लें जी। मेरा मतलब है गर्म या ठंडा? उन्हें बुलाइए जिन्होंने सारे शहर को दीवाना बना रखा है। बस अभी आया ही चाहती हैं। शुरू कीजिए। पहले शर्मा तो लें, फिर शुरू भी कर देंगी। उस्ताद जी। जी बेटा जी। ये लड़के बहुत बदतमीज हैं। बेटा जिनके बाल बड़े होते हैं वो बदतमीज होते हैं। ये स्टूडेंट हैं और ताकतवर है। बेटा जी मौला कारोबार में बरकत डाले कोई बहाना कर दो। माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, तबले को भी सर्दी लगी हुई है। मैंने भी ढोलकी से एक मौला खुश रखी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं मुजरा फिर भी होगा। अगर आप मुजरा नहीं करेंगी तो हम मुजरा करेंगे, और जब हम मुजरा करेंगे तो आपके पैरों में थरथराहट खुद ही आ जाएगी। जी उस्ताद जी। टेम्पो 1 2 1 2 3 4। तेरा
हुस्न मशबा, अरे क्या कहना, अंग अंग लाजवाब, अरे क्या कहना, तेरा हुस्न मशबा, अंग अंग लाजवाब, अरे क्या कहना, क्या कहना, कुछ नहीं कहना। ये भी खूब है कमाल, हम ना जबे न माल भाई जी, तुम देखो हमारा मुजरा और खोलो न अपना बटुआ, तुम देखो हमारा मुजरा और खोलो न अपना बटुआ, माल भरेंगे जरूर धरा आने तो जरूर सोए हो, तुम खुल के दिखाओ जलवा, कोई नया लगाओ थोड़ा, तुम खुल के दिखाओ जलवा, कोई नया अच्छी लगी हो, फिर आऊंगा। बुरी नहीं लगे, आना जरूर। रात तुम लोग कहने पर मैं वहां चला गया था। एक बात बोलूं, इतने पैसे कहां से लिए थे तुमने? मिनिस्टर साहब ने दिए थे। आइंदा मत लेना, और अगर लेना हो तो प्लीज मेरी जात को इसमें इन्वॉल्व मत करना। यार तुम इधर हो, तुम्हारी तलाश में सारा कॉलेज छान मारा। एक बाल ऐसे क्या देख रहा है? खैरियत आलम, मैं सोच रहा हूं कि कहीं हम गलत रास्ते की तरफ तो नहीं चल पड़े। क्यों आलम? जो ग्रुप कल जावा के साथ था वो आज हमारे साथ है, और जो कल जावा था वो आज तुम हो। मैं जावा नहीं हूं, मैंने इस कॉलेज से बदमाशी को खत्म किया है।
सब खुश है मुझसे, लेकिन ना जाने मैं क्यों खौफजदा हूं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग तुम में ज्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। मसलन? मसलन मिनिस्टर साहब और फिर वो काली जिसका करिंदा जावा था। सबसे मजे का जानवर है लाल टोपी, बहुत पसंद है तुझे। घर में सब ठीक है? जी। अम्मा तो खुश है? जी। मगर तू खुश नहीं है ना? खुश नहीं, जानता हूं। सब कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत इंसल्ट हुई कॉलेज में, तेरा टेलर खराब कर दिया और छोकर क्या नाम उसका, क्या चीज है ये? नहीं मालूम भाई, मालूम हाथ थोड़ा, नहीं मालूम। उसने तेरा टेरर खलास कर दिया और तू बोलता है नहीं मालूम, तुझे सारे कॉलेज में लिटा दिया और तुझे नहीं मालूम। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गवर से निकल कर मारेगा उसे। नहीं समझा? नहीं समझाता, समझाता। मैंने तुझे सपोर्ट किया, तुझे अपना नाम दिया, काली काली। तूने सब कुछ खाक में मिला दिया, और जब सब कुछ खाक में मिल गया तो फिर तू यहां क्यों खड़ा है? May I come in, sir? Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Inspector sahab, ye hai Alam. Baitho. Baitho. Inspector sahab, Union leader Javed Uruf Java ke qatl ki taftish ke silsile mein tumse milna chahte hain. Ji. Tumhari aur Java ki kya dushmani thi? Meri koi dushmani nahi thi. Maine sirf wo nahi kiya जो वो चाहता था। तुम्हारी और उसकी लड़ाई हुई थी? जी हुई थी, लेकिन जनाब ये बहुत सुलझा हुआ लड़का है, लड़ाई की वजह वो खुद जावा था। प्रोफेसर साहब, मुझे सब मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, और हां जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा। आलम तुम आओ मेरे साथ। बैठो। देखो आलम,
तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। सामने मुझे हिदायत की है कि इस केस में से मुझे निकालना है तुम्हें, समझ गए ना तुम? देखिए जी, आप मुझे इस केस से तब निकालिए जब इसमें मेरा कोई हाथ हो। अगर हाथ नहीं भी है तो हाथ साबित करना हम लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं। ये तो मुझे दुआएं दो कि उनका हाथ तुम्हारी पुश्त पर है। कॉलेज से आए और धस से लेट गए, खाना नहीं खाएगा तू? भूख नहीं अम्मा। क्यों भूख नहीं है तुझे? बस तबीयत ठीक नहीं है। क्या कर लिया है तूने अपनी तबीयत को? हाँ बोल, बोलता क्यों नहीं? रात भी सोते सोते बड़बड़ाता रहता है। और ये बाल क्यों खुश्के तेरे? तेल नहीं लगा था ना? चल मैं बालों में तेरे तेल लगा दू। रहने दे अम्मा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सोचता हूँ ये बाल कटवा दूँ। चुप, कभी नाम भी ना लेना बाल कटवाने का। तुझे तो याद नहीं है ना? मुझे याद है अच्छी तरह, जब तू सख्त बीमार हो गया था और कोई दवा काम ना आई तो पीर कादिर शाह ने दुआ की और मुझसे वादा लिया कि तेरे बाल कभी ना कटवाऊं। जाने क्यों तब से वसवसा है मेरे दिल में कि जब भी तेरे बाल कटवाऊंगी तू बीमार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब वो गए? पता नहीं, किसी काली से मिलने गए हैं। इसमें घूरने वाली क्या बात है? काली से मिलने? क्यों मिलने गए काली से? उसने अपने आदमी भेजे थे यहाँ हमारे घर। कब? 3-4 घंटे हो गए, जाते भी कह रहे थे बच गया और आया, लेकिन अभी तक आए नहीं। काली तुम्हारी बहादुरी की बहुत तारीफ कर रहा था, बता रहा था कि कल तुमने कैसे बदमाश लड़के से लड़ाई की जो कल कत्ल हो गया। काली का कहना है कि अगर वो चाहे तो तुम्हें उस कत्ल में फंसा भी सकता है, तुम्हारा मुस्तकबिल दांव पर लगा सकता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करेगा कि वो तुम्हारा दोस्त है। मेरा दोस्त? यही कहा है उसने कि वो तुम्हारा दोस्त है, और वो इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूत और पक्का इस तरह करना चाहता है कि जिस तरह वो कहे तुम वैसा ही करते जाओ, या खुद कॉलेज छोड़ दो या फिर ये शहर छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ोगे। छोड़ेगा ये शहर काली? मैं नहीं। उसकी जरूरत कैसे हुई मेरे बाप को बुलाकर ऐसी बात करे? सुनो, तो बहुत खतरनाक आदमी है। मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूं। वो असलाह की जबान में बात करता है। असलाह मेरे पास भी है। वो मार डालेगा तुम्हें। मैं उसे मार डालूंगा। अब्बू, मत कहो मुझे अब्बू। जो कुछ मैंने कहा था अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा था, इस आस पर कहा था कि शायद तुम कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन तुमने तो ये सब कुछ सच साबित कर दिया। वाह, सुन रही हो तुम? अपने बेटे के कारनामे, हमने बेटे को कॉलेज में भेजा था कि ये बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन ये बन गया बड़ा बदमाश, बड़ा गुंडा। अपने से बड़े बदमाशों के साथ टकराता है ये। हम ठहरे कमजोर और शरीफ लोग, हमारा और इसका क्या वास्ता? बस तुम्हारी वजह से उस बदमाश ने मुझे अपने डेरे पर बुलवाया। कल अगर उसने इस बूढ़ी औरत को बुलवा लिया तो ये तो ऐसे ही मर जाएगी। मैं तो खैर शर्म वगैरह से मर ही जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा, तुम्हारे कहने से क्या होगा? मैं समझता हूँ ऐसा ही होगा।
देखो भाई, अब तुम्हारे और हमारे रास्ते बिल्कुल जुदा जुदा है। इस घर में कोई गुंडा या बदमाश नहीं रह सकता। तुम ऐसा करो, ये घर छोड़कर चले जाओ और तुम्हारा जो जी में आता है वो करो। बदमाशी करो, डाके डालो, चोरियां करो, जो जी चाहता है करो, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो, छोड़ दो हमारा पीछा। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम खामोश रहो। क्यों खामोश रहो? आप मेरे बेटे को घर से निकाल रहे, कहां जाएगा ये? जहां चाहता है जाए, तुम रोकोगे नहीं, ये मेरा हुक्म है। अगर आप इस छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला सुना रहे हैं तो मुझे आपका फैसला कबूल है, मगर एक बात। तू बात मत कर, तू कोई बात मत कर, माफी मांग ले उनसे, हाथ जोड़, चल। मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया अम्मा? फिर बहस नहीं, कोई बहस नहीं, तुम जा सकते हो यहां से। क्या रहे हो? गरीबान पकड़ोगे मेरा, आंखें निकालोगे मेरी? वो जा रहा है, रोकिए ना उसे, रोकिए ना उसे। अगर बाप से माफी मांगना कबूल नहीं, जैसे घर छोड़ देना कबूल है, तो मैं उससे क्यों रोकूं? मेरे खुदा, ये सब कुछ क्या हो गया, क्या हो गया एकदम? ये सब एकदम से नहीं हुआ समीना, बहुत देर से हो रहा था, हम ही बेखबर थे। तुम रो नहीं, रो नहीं, तुम वह आ जाएगा। दो चार दिन घर से बाहर रहेगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका, आ जाएगा। आलम, आलम, हाँ बोलो। तुमने मेरे बाप को अपने अड्डे पर बुलाकर उसकी शराफत की तौहीन की है काली। मुझे तो किस बात का नहीं कि मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, तकलीफ इस बात की है कि तुमने मुझे उसकी नजरों में गिरा दिया। और अब जब तक मैं तुझे गंदी नाली में नहीं घसीटूंगा, तुम्हारी सजा कुत्ते की तरह गली गली नहीं भगाऊंगा, तेरी हत्ती नहीं मिटाऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। सुना तूने? सुना? जो है कि मुंह में शेर की धार अच्छी नहीं लगती बेटे। तू उसकी उम्मीद है, उसके बुढ़ापे का ख्याल रखो और उन धंधों की तरफ मत देखो जो तेरी माँ को आंसू और तेरे बाप को जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दे सकते। उन्हें जो मिलना था मिल गया, अब तुझे मिलेगा। सारा शहर तुझसे डरता है ना काली, आज के बाद तुम आलम से डरोगे। तुम आलम के पहले दुश्मन और आलम तुम्हारा वो आखिरी दुश्मन है जो तुम्हें हस्ती से मिटा देगा। आलम की जबान जवानी के नशे में थी या शराब के नशे में? किसी भी नशे में थी, उसका नशा इस तरह उतरना चाहिए कि उसकी लाश देखकर आइंदा कोई स्टूडेंट कारीख के सामने आए तो अपने होशो हवास में आए। किसी नशे में नहीं, खत्म कर दो उसे। हेलो डार्लिंग। इस वक्त और इस हालत में? इस हालत में तो तुम याद आई हो। सच्ची बात बोलूं, जिस दिन से तुम्हें मिले हैं
अपने आप को नहीं मिले। माँ वो तो चली गई शॉपिंग करने, खुश कर दिया उसे। तुम खुश नहीं हुई? मैं तुम्हें अच्छा लड़का समझी थी। अच्छा तो हूं, सिर्फ बुरी चीज भी है रोने के लिए, कुछ बोलने के लिए और कुछ याद करने के लिए। सुनो सायरा, तुम मुझे प्यार करोगी, मुझे दिल दोगी, मेरे लिए गाओगी? नहीं तो ठीक है, जैसा आया था वैसे ही चला जाता हूं। एक बात सुनो सायरा, मुझे खोकर तुम पछताओगी जरूर। Thank you.
तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं। क्या बोला? नहीं। नहीं? हाँ नहीं। गेट खोल दो। बहुत अच्छा है काली, चाहता तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी उड़ा चुका होता, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह पीछे से हमला करने की आदत नहीं। तुम्हारी सजा एक गोली या सिर्फ मौत नहीं काली, तुम्हारी सजा है कि तुम अपनी आंखों से देखो कि आलम ने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम अपनी हकीकत पहचान लो काली, कि तुम गंदी नाली में रिंगने वाले कीड़े के सिवा कुछ नहीं। और जब ये सब तुम जान लोगे, मान लोगे, तो फिर आलम तुम्हें खत्म कर देगा। काली के अड्डे पर आकर आज तक किसी ने इस तरह ललकारा नहीं काली को।
हर जरूरत को काली सलूट करेगा। जैसे आया है वैसे ही जाएगा। अगर तूने मुझ पर गोली नहीं चलाई तो मेरी गोली भी तुझ पर नहीं चलेगी। लेकिन इतना याद रखना आलम, अगर तेरे सीने में शेर का दिल है तो मुझे भी शेर का शिकार बहुत पसंद है। और हाँ सुनो, जो तुमने कहा मैं सोचूंगा, जो मैंने कहा तुम सोचना, फिर फैसला होगा। कि कुत्तों के सामने तुमने उसके सीने पे बंदूक रखी, उसे तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका सर। खून के जोश में कई बार जीत चाहा, सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूं। तुमने गोलियां नहीं चलाई, अच्छा किया। और भी अच्छा करते अगर गोलियां चला देते। जी सुनो, अगर आइंदा कभी ऐसा मौका आए ना तो अपने दिल की बात मानना। तुम्हारे साथ सर जी है ना, कोई तुम्हारी हवा को नहीं देख सकता। अरे भाई करीम साहब, बातें ही बनाते जाएंगे या हमारे इस बहादुर नौजवान दोस्त को कोई इनाम भी देंगे हमारी तरफ से? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनाम लिए बगैर हम नहीं जाने देंगे तुम्हें यहाँ से। अगर ऐसा है तो सर मुझे मेरे अब्बू के लिए उस मार्केट में एक दुकान दिला दीजिए जहां कभी उनकी दुकान गिराई गई। एक दुकान? एक दुकान क्या, वो पूरी मार्केट तुम्हारी होगी करीम साहब। समझ गया सर, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। हमारे लिए मिनिस्टर साहब का बुलावा है, फौरन मिलने का हुक्म है। इस रजिस्ट्री पर मुझे दस्तखत चाहिए पहलवान, इसके एवज जितनी रकम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगी। वो तो ठीक है सर, लेकिन मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। क्या कहते हो आलम? नहीं सर, 15 वर्ष पहले जब इसने गरीबों की दुकानें गिराते हुए नहीं सोचा तो फिर आज इसे सोचने का कोई हक नहीं। दस्तखत करो पहलवान, कलम उठाओ पहलवान। ने दस्तखत तो कर दिया है, अब इससे पहले के कीमत मांगने आए इसे 3-4 सख्त किस्म के मुकदमों में फंसा दीजिए ताकि उनसे बचने के लिए हमसे राबता कायम करे तो लेने की बजाय हाथ से अदा करे
पार्टी के खजाने में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठो। कौन हो तुम? सर मेरा नाम काशिफ है, मैं आलम का दोस्त हूँ, मुझे आलम ने भेजा है। क्यों भेजा है? सर उसने आपके लिए वो मार्केट खरीदी है जहाँ कभी आपकी दुकान हुआ करती थी, लेकिन आज आज उस मार्केट के आप मालिक हैं। इतना अमीर हो गया है हमारा बेटा। ये देखे ना, आपके नाम की रजिस्ट्री है, कल मार्केट का इफ्तिताह है, वहां पर आपके नाम का बोर्ड लगाया जाएगा, आपका बेटा आलम भी वहां पर मौजूद होगा। अगर आप और आंटी वहां पर आ जाएं, तो आलम को बहुत खुशी होगी। आप आएंगे ना? क्यों नहीं, जरूर आएंगे। अरे सुनती हो? जी। जल्दी से आओ, देखो तुम्हारे होनहार बेटे ने कितना शानदार काम किया है, अब सीना तान कर चल सकूंगा बाजार में। ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे सारी मार्केट का मालिक बना दिया है मुझे, रजिस्ट्री भेजी है मेरे नाम की, चलने की तैयारी करो, कल मार्केट का इफ्तिताह है। जाओ बेटे, जाओ, जाकर उसे कहो कि हम जरूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वाकई बड़ा आदमी बन गया है। बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें जलील करने के लिए यहां इतने लोगों के सामने बुलवाया, लेकिन यहां मैं तुम्हारी दावत पर नहीं आया, मेरे दिल ने मुझे मजबूर किया। मैंने चाहा कि इन सबको बताऊं कि यही वो मकाम है जहां मैं बैठकर मजदूरी करता था और मेरा सर फख्र से बुलंद होता था, पर आज इस बुलंद बिल्डिंग की रजिस्ट्री को अपने हाथ में पकड़कर मेरा सर शब्द से झुका हुआ है। यह बिल्डिंग मेरे बेटे की मेहनत के पसीने की कमाई नहीं है भाइयों, बल्कि इसकी बदमाशी का इनाम है, जबरदस्ती के कब्जे का आला नमूना। आप कैसे बाप हैं जो अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होने के बजाय? मैं नहीं हूं खुश, मैं खुश नहीं हूं भाई। आप लोग भी सुनिए, मैं इसका कुछ नहीं लगता हूं, मैं इसका बाप नहीं हूं, और ये जो बूढ़ी औरत है ना, इसकी मां नहीं है, हम इसके कुछ नहीं लगते। हम लोग तो बहुत छोटे और गरीब लोग हैं भाई, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, हमारा और इसका क्या रिश्ता? ये बिल्डिंग तुम्ही तो मुबारक हो, आलम। Thank you.
पुलिस आ गई है। तुम यहां से फौरन निकल चलो, फौरन निकल चलो। इन तमाम कत्लों का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। निकल चलो, फौरन निकल जाओ, निकल जाओ। मैं कहता हूं जाओ। बेटा अभी आपसे बात करता हूँ। मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है आपके पास, और जब से मिनिस्टर बने हैं अपने बेटे के लिए तो टाइम ही नहीं है। आपको भी वक्त देंगे, बल्कि यूरोप के दौरे पे आपको साथ लेके जाएंगे। डैडी दौरे से याद आया, मिनिस्टर बनने के बाद आप जनाब ने कच्ची बस्ती का दौरा ही नहीं किया। वो बेचारे कई बार आ चुके हैं, कुछ तो ख्याल करें डैडी, आखिर उन्होंने आपको वोट दिए हैं। जाएंगे जाएंगे। करीब सब टिकट आ गए? जी सर। जी गुड। किधर जा रहे हैं आप? इस्लामाबाद। हेलो। हेलो। हाय। बैठी ना प्लीज। आज ही अमेरिका से वापस आए, बहुत बिजी रहते हैं डैडी। भाई ये फरजाना, तुम्हारे साथ मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा। एक मिनट जरा। हाँ कौन बात करना चाहता है? क्लिंटन बात करना चाहते हैं? हाँ करवाए, मैं बात कर रहा हूँ। छोटी छोड़ है, अगर छोटी छोड़नी है तो फिर ये काम छोड़ो। हाँ हाँ मैं बात जब फिर बात करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। बैठो बेटा, बैठो ना। मैं भी बैठता हूँ, बैठो। ये लगवाओ भी जरा। असल में सॉरी बेटा, वो असल में मुझे अमरीकन सिगार पीने की आदत है ना, वो जो चर्चल पिया करते थे उसमें खर्चल भी बड़ा काट होता है। डैडी आप अपने सेंटर गिनाए जा रहे हैं, ये भी कॉर्नर में बैठी है, इससे भी बात करें। हाँ फरजाना को भी सेंटर करते हैं बेटा। तुम्हारे डैडी क्या करते हैं, करते भी हैं या कुछ नहीं करते? जी मेरे डैडी। क्या हुआ? खोते दिया पुत्रा। जी अब्बा जी। मरवा देता ही ना। लो बेटा तुम लोग बैठो, मुझे एक काम याद आ गया है। अंकल बैठिए ना प्लीज, एकदम से आपको क्या हो गया? जल्दी में अपनी औकात याद आ गई है बेटा। असल में ये औकात जो है ना, ये वक्त जो है, ये मेरे गरीबों में लंगर तकसीम करने के औकात है। मैं गरीबों में लंगर बड़ा तकसीम करता हूँ, और खुद मैंने जाकर दाता साहब से खाना खाना है। मैं गरीबों में कोई फर्क महसूस नहीं करता, मैं गरीबों में बैठ के खाना खाता हूँ। तुम लोग बैठो बेटा, बैठो, मैं फिर कभी आऊंगा। बैठो तुम लोग। डैडी और छाट दो। असल में डैडी की तबीयत बहुत ज्यादा गरीब परवर है, वो गरीबों के लिए बड़ी से बड़ी मीटिंग भी छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए मुझे भी जाना होगा। मैं तुम्हें फोन करूंगा। हाँ सॉरी, खुदा हाफिज़। सब काम ठीक हो गया है। लतीफ एहवान का कत्ल उसकी पुरानी दुश्मन पार्टी के सर थोप दिया गया है। थैंक यू सर। सर जी तो तुम्हारा हर काम करेंगे, लेकिन तुम भी तो कोई उनका काम करो ना। क्या काम चाहते हैं? देखो ना, तुम्हारे हाथों को गोलियां चलाने की आदत तो पड़ ही गई है, अब कुछ गोलियों पर सर जी के दुश्मनों का नाम भी लिख लो। लिख लिया, ये दो। किससे मिलना है आपको? बहुत देर से बैठे हैं। मुझे आलम से मिलना है बेटे, सुना है वो यहां रहता है। उससे क्या काम है? तो मेरा, उसकी मां बहुत बीमार है। कहीं आप उसके वालिद तो नहीं? हाँ, कहाँ है वो? आप घर चलिए, मैं उसे भेजता हूं। नहीं बेटा, वो नहीं आएगा। जब तक मैं खुद उससे नहीं कहूंगा वो नहीं आएगा। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे घर भी जल जाना है, उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बेटे, वो जहां भी है मुझे वहीं ले चलो। वो जगह आपके काबिल नहीं। क्यों, कौन सी ऐसी जगह है वो? एक तवायफ का कोठा। तवायफ का कोठा?
अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये मस्जिद थोड़ी है, आइए। आपके कहने पर मैं आपको यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन अब वो मुझसे नाराज होगा। आप यहाँ रुकिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। आलिम है? हाँ है। उससे कहो कि उसका बाप उसे मिलने आया है। आप यहाँ क्यों आ गए? ये जगह अच्छी नहीं। माँ बाप के घर से तो अच्छी है। सुनो, मैं यहाँ कोई तुम्हें अपने जख्म दिखाने नहीं आया। वो तुम्हारी माँ है ना, वो बहुत बीमार है, मिलना चाहती है तुमसे। शायद ये मुलाकात आखिरी हो। पैगाम भी भिजवा सकता था, मगर डर था कि कहीं पैगाम तुम तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर ना हो जाए। चल सकते हो मेरे साथ? आपकी इजाजत है? बाकी सब काम मेरी इजाजत से करते हो? तुम्हारी राह में आंसू सजाए बैठी है। आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? नहीं, मैं यहीं बैठता हूं। मैं जानता हूं तुमसे मिलकर बहुत रोएगी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुश्किल भी हो गया हूं, उसे और रोते हुए नहीं देख सकता मैं। सुनो, आज तुम उसे इतना रुलाओ, इतना रुलाओ कि उसके पास एक भी आंसू ना बच सके, ताकि तुम्हारे चले जाने के बाद वो तुम्हें याद करके रुचाए तो रो ना सके। क्योंकि भाई, अब मैं उस बदनसीब को मरते हुए तो देख सकता हूं, लेकिन और रोते हुए नहीं देख सकता। बहुत देख लिया मैंने, बहुत देख लिया मैंने। जाओ अबू, जाओ, मैं बैठा हूं यहां, जाओ। अम्मा,
गया कंधा देने अपनी अम्मा की चारपाई को। ऐसा ना कहो अम्मा। तू बाप से नाराज है, बाप तुझसे नाराज है। इसमें गरीब माँ का क्या कसूर? उसके बेटे को क्यों दूर कर दिया तूने? मैंने थोड़ी दूर किया है अम्मा। तो फिर किसने किया है? बोलना, किसने दूर किया? किसे इल्जाम देगा तू मुझे, बाप को या अपने आप को? मैं तो घर से पढ़ने निकला था अम्मा, मैंने तो सच्चाई का साथ दिया था, मैंने तो इज्जत की खातिर सर उठाया था अम्मा। मुझे मालूम नहीं था कैसे काम करने से भी बेटे माँ बाप से दूर हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। तूने तो खुद छोड़ दिया था, वो माफ कर देंगे तुझे। मैं हाथ जोड़ूंगी उनके सामने, सर रख दूंगी उनके कदमों पर, बस तू घर वापस आ जा। बहुत देर हो गई अम्मा, बहुत दूर निकल गया हूं मैं, अब अगर लौटा तो अकेला नहीं लौटूंगा, मेरे साथ जिल्लतें नफरतें जुर्म की स्याही सब मेरे साथ होंगी, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ यहां पे रहें। उनकी मौजूदगी में मेरे माँ बाप का दम घुटे। तेरे बिना भी तो दम घुटता है। अपने आप को समझाओ अम्मा, समझाओ कि तुम्हारा आलम मर गया। वाह, इतने दिनों बाद आया है, और कैसे कैसे नश्तर लेके आया है अपनी अम्मा के लिए। रो मत अम्मा, मत रो। एक कमबख्त आंसू ही तो है मेरे पास में, मुझे नींद नहीं आती रही, बुरे बुरे ख्याल आते तेरे बारे में। आजा, घर वापस आजा, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती तेरे बगैर, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। मैं तुझे सुनाऊंगा। मेरा अंजाम सिर्फ मौत है। सुनो, वो अपने दोस्तों से कह देना कि तुम्हारी खैर खबर देते रहे, मेरे लिए नहीं, तुम्हारी मां के लिए। खबर अगर खैर की ना हो अबू, तो मेरी लाश घर जरूर लाइएगा, और अगर हो सके तो कब्र में उतारते हुए मुझे माफ जरूर कर दीजिएगा। ओए दस की चाबी लाओ। एक्सक्यूज मी। ठीक है जी। मेरी गाड़ी मेन रोड पर खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही। आपकी तो गाड़ी खराब हो रही है, लोगों के बच्चे खराब हो रहे हैं। जी ओए इधर आओ, जाओ जाके मेम साहब की गाड़ी देखो। अच्छा उस्ताद जी, चाबी दीजिए। ये ले चाबी। गाड़ी नंबर 4117। 4117। आओ चलो। ओए इधर कार पर ठीक करो, क्या कर रहे हो? ओ असल में मसला ये है। आप बेटा जी, आप? मेरी तो गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन आप यहाँ? असल में मेरी भी गाड़ी खराब हो गई है ना, मैं भी यहाँ ठीक करवाने के लिए आया हूँ। इन लोगों से बड़ी वाकफियत हो गई है, क्योंकि गाड़ियाँ जो बड़ी हैं मेरे पास, तुमने देखा कि सुनो, मैंने तुम्हारी गाड़ी के लिए इन सबको किसा डांट कर कहा था। उस्ताद जी,
अब तो ये लोग उस्ताद भी कहना शुरू हो गए मुझे। अच्छा चलो, यहाँ तो गाड़ियों का धुआं, पेट्रोल की बदबू, आओ बाहर चलो। ओ छोड़े अंकल, बाहर भी यही हाल है, पता नहीं पोल्यूशन से कब निजात मिलेगी। याल्ला इधर आओ ना। तुम कैसी हो? तुमने तो मनके भी पहन रखे हैं, मलंगनी हो गई हो। दमादम मस्त कलंदर, चला जा पिछले अंदर। अच्छा है ना, दमादम मस्त कलंदर। उस्ताद जी किस पिछले अंदर की बात कर रहे हैं आप? क्या समझते हो तुम अपने आप को? इतना सा काम तुमसे नहीं हुआ, एक मिनट में ठीक कर दिया मैंने। ये पकड़ो अपनी हवा, बदतमीज, और ये रही तुम्हारी डांगरी। आज फिर तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, किसी लड़की को टाइम दिया होगा, नई गाड़ी लेकर जा रहे हो। बदतमीज आदमी, क्या औकात है तुम्हारी? अगर मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे चढ़ जाओ। खड़े खड़े ये तुम्हारा मैं वर्कशॉप खरीद सकता हूँ। बदतमीज, बदतमीज तुम हो, जलील तुम हो, कमीने तुम हो। पता नहीं क्या कुछ। हेलो डार्लिंग। भाई वाह, असल में हम इन बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ बड़े फ्री हैं दोनों बाप बेटा, क्योंकि हमारे पास गाड़ियां जो बहुत है। आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है उस्ताद जी? गाड़ी का फ्यूज उड़ चुका था। फ्यूज पहले नहीं उड़ा था बेटा, अब उड़ा है। अब तो मेरे इस कार्बोरेटर का भी फ्यूज उड़ गया है। मेरे लिए क्या हुक्म है उस्ताद जी? बेटा किसी चीज में थोड़ा सा पानी ले आओ, मैं डूब के मर जाना है। लानती बच्चे ने मुझसे ऐसा ऐसा झूठ बुलवाया है। डैडी? अब डैडी नहीं, डैडी। मेरे बच्चे अब तो काम खराब हो गया है। मेरे बच्चे ये तूने सब कुछ देखा है ना, ये सच है। Shame for you. With me. चले वो कहाँ जी, हम है यहाँ जी, हमें न बुलाना। जरा रुक जाना, जरा रुक जाना, जरा रुक जाना, जरा रुक जाना। चले हो कहाँ जी, हम है यहाँ जी, हमें न बुलाना। जरा रुक जाना, जरा रुक जाना, जरा रुक जाना, जरा रुक जाना। ऐसे ना देखो हमें नाराज नजरों से तुम, जब चाहो मर जाएंगे एक मुस्कुराहट पे हम। ऐसे ना देखो हमें नाराज नजरों से तुम, जब चाहो मर जाएंगे एक मुस्कुराहट पे हम। नजरें मिला के जरा मुस्कुरा के, नजरें मिला के जरा मुस्कुरा के, हमें आजमाना।
जरा रुक जाना, जरा रुक जाना, जाना जरा रुक जाना, जरा रुक जाना, हो जी हो लाश आलम को हमारी तरफ से तोहफे में भेज दो। काशिफ मर गया काली। कुछ बांटो, तुम उस वक्त उसके साथ नहीं थे, वरना तुम इस वक्त मुझे ये खबर ना सुना रहे होते। किस्मत के धनी हो आलम। मुझे तुम्हारे साथ काशिफ के कातिल भी चाहिए काली, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ बहुत से बेगुनाह मारे जाएं। बेहतर यही है कि तुम खुद उनको लेकर मेरी गोली के सामने आ जाओ। इस तरह भीख मांग कर मेरी नजरों में अपने आप को छोटा मत करो आलम। तुम्हारा दोस्त कत्ल हुआ है, मर्दों की तरह इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ो।
अपने दोस्त के कातिल को तलाश करने के लिए गोलियां चलाओ या गोलियां खाओ। काली किधर है? शहर से बाहर। उसको बोल देना उसने एक लाश का तोहफा भेजा था, मैंने लाशों के ढेर लगा दिए हैं, ढेर। तेरा मुंह ठीक है? नहीं, क्या बात है? ये मेरे उस्ताद की रोजी रोटी का अड्डा है। तो फिर तुमने इसे मुजरमों का अड्डा बना दिया है। पहले नहीं सोचा तुमने? तुम खुद लाए थे हमें यहां। मुझे नहीं मालूम था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अब क्या बोलता है? अगर मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो यह सब छोड़ दो, वरना अपना इंतजाम कहीं और कर लो। जिस तरह तुम्हारी दोस्ती नहीं छोड़ सकता, उसी तरह ये सब भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुझ में हौसला है कि मैं तुझ जैसे जराइम पेशा दोस्त से अपना नाता तोड़ लूं। आज से तेरे और मेरे रास्ते जुदा हैं आलम। कुछ करो, हमें अभी और इसी वक्त यहां से जाना है। बहुत साथ दिया है तुमने मेरा, भूलूंगा नहीं तुम्हें, भूलूंगा मैं भी नहीं। अगर कभी मेरी बातें याद आएं और जुर्म की जिंदगी से तंग आ जाओ तो इस दोस्त की बाहों में आ जाना, ये बाहें तुझे हमेशा खुली मिलेंगी। क्यों साहब परेशान है? मैंने तुम्हें चार ऐसे नाम दिए थे जो मेरी कुर्सी का दुश्मन है, उनकी वजह से मैं आज हुकूमत के नजरों में जलील हो रहा हूं। क्यों खत्म नहीं किया उन्हें अब तक? वो आपकी तरह करप्ट नहीं है, सच्चे लीडर है। मुझ में हौसला नहीं उन्हें मारने का। तो हौसला पैदा करो। इस सिलसिले में बंदूक नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। सुनो आलम, जो तुम्हें बना सकता है वो मिटा भी सकता है। मुझे मालूम है इन्होंने बहुत से स्टूडेंट लीडर बनाए और मिटाए, आज मिटने की बारी इनकी है। आलम, नहीं आलम, नहीं। हुकूमत ने आपसे आपकी कुर्सी छीनी, मैं आपसे आपकी जिंदगी छीन रहा हूं। आलम, पुलिस आ गई है, तुम निकल जाओ। Thank you.
आलम, जाओ मैं इन्हें देखता हूं। हो गया रे तू, कुछ बना दूं तेरे लिए, कुछ खाएगा? नहीं अम्मा, पराठा बना देती हूँ तेरे लिए। वक्त नहीं है मेरे पास, तुमसे मिलने आया था। मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा तू? कहीं भी, इस शहर में रहा तो पुलिस मुझे पुलिस मुकाबले में मार डालेगी। नहीं, मुझे भी जीना है अम्मा, मुझे अभी बहुत से हिसाब चुकाने हैं। खबरदार पुलिस, इंस्पेक्टर शहबाज खान। पुलिस आ गई? कुछ नहीं होता। अब क्या होगा? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। घर चाहे किसी गरीब का हो या अमीर का, इस तरह बगैर इजाजत लिए अंदर आना बदअखलाकी है। मुजरिम के घर इजाजत लेकर आने वालों को सिर्फ मुजरिम के कदमों के निशानात मिलते हैं, मुजरिम नहीं। ये घर किसी मुजरिम का नहीं, मेरा है। तुम इस बात से इंकार कर सकते हो कि आलम तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारे लहू और तुम्हारी बीवी की कोख ने उसे जन्म नहीं दिया? मेरी जिंदगी का यही तो वो सच है जिस पर मेरा सर शर्म से झुक जाता है। तुम्हारे झुके हुए सर से कानून को या माशरे को कोई हमदर्दी नहीं। तुम एक मुजरिम के बाप हो, और अगर चाहते हो कि तुम्हें मुजरिम ना समझा जाए तो उसे कानून के हवाले कर दो। बांधोगी? अपने आंसू पोंछ लो सायरा, भूल जाओ आलम को। अपना भूल सकती हूं, आलम को नहीं। वो मफरूर है, पुलिस और काली उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, अगर वो ना चाहे तो हजार पुलिस वाले तो क्या, लाखों काली मिलकर भी मेरे आलम की हवा को नहीं छू सकते। साईं, इसे बोलो तो चेहरा तो दिखाए, आंखें कुछ जानी पहचानी लगती हैं। पहचाना चूचक? बुरी आलम साईं, तुम? अरे तुम कहां से रास्ता भूल के आ गया?
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुमने एक बार बोला था ना चूचा, अगर जिंदगी में कभी मुश्किल पड़े, मेरे लहू की जरूरत पड़े तो बेदरेगा ना। बोल साईं, अगर लहू चाहिए तो वो हाजिर, पैसा चाहिए तो वो हाजिर, बड़ी जिंदगी की जरूरत हो तो वो भी हाजिर साईं। गिरफ्तार कर लो इसे। क्यों भाई, इसलिए क्या जो किया है मैंने? ज्यादा बड़बड़ मत कर बुढ़े, लगा लो हथकड़ी से। मेरा गरीबान छुड़िए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। तुम्हारी शराफत वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ से तुम्हारे बेटे की बदमाशी शुरू होती है। मैं पुलिस को एक बार नहीं हजार बार बता चुका हूँ कि अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे कहने से ताल्लुक खत्म नहीं होगा, तुम उसके बाप हो, वो तुम्हारा बेटा है। अब हम तुम्हें धक्के मारते हुए ले जाएंगे अपने साथ, ताकि देखने वाले देखे और समझे कि औलाद की परवरिश अच्छे तरीके से ना करने वाले बाप को किस तरह जिल्लत उठाना पड़ती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। उस नामुराद की वजह से इन्होंने पहले ही बहुत दुख उठाए, इन्हें इस तरह मत ले जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुजरिम की माँ के हाथ जोड़ने से कानून के दिल में रहम नहीं आता माई। जरा सोचो, तुम्हारे बेटे ने कितनी माँ को रुलाया है, उनका क्या कसूर था? गौर से सुनो, अगर बेटा राब्ता करे तो उसे समझाओ, उसे मजबूर करो कि अगर बाप को मजीद जिल्लत से बचाना चाहता है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ले चलो इसे। बदन नशीला तेरा जब लहरों के संग संग तोले, मेरे दिल दा कुकड़ देख तैनू बोले बोले कुकड़ कुड़ू प्यारी लगे तू। दिल चाहे हो रात मिलन की घूंघट तो ही खोले, हृदय तो हाथों में
रूप तेरा मस्ताना है, तौबा 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 तौबा, कुड़ियों का जमाना है, तौबा 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 तौबा, पैरों की जवानी तू, फूलों की जवानी तू, सबसे लगे तू जुदा। मिन्ना खो से ओले बदन मसीला तेरा, जब लहरों के संग संग डोले, मेरे दिल दा उकड़ दे तैनू बोले बोले। तुम्हारे साथ जाएंगे उस गीदड़ को गोली मारने के लिए, जिसे हम शेर समझते थे, जिसके लिए तू परेशान था, हम उसे यहाँ ले आया है। अब वो बहन बनकर हमारे पास रहता है, तू जब उसे मिलता है, बातें करता है, तो ये लोग बड़ी मुझे बहुत बुरी नजर से देखता है। तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेता आलम साईं? शादी तो मैं कर लूं चूचक, लेकिन अगर शादी में माँ ना हो, बाप ना हो, तो ये कैसी शादी? तूफानों में घिरी हुई जिंदगी को कब सुकून मिलता है, ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन वक्त का तकाजा यही है, बड़ी सब भूल कर शादी कर लो। तुम्हें अकेले होने का एहसास हम नहीं होने देंगे। क्या सोच रहे हो साईं? मुझे तुम्हारा फैसला सुनना है। मुझे मंजूर है चूचक। खुश किया साईं, खुश। बड़ी इसी हफ्ते में तुम दोनों की शादी का इंतजाम करता हूं बाबा। ऐसी शादी होगी ऐसी कि सारी दुनिया देखेगी। हाँ, आने दो आने दो, हम बैठे हुए हैं रास्ते में मौत बनकर।
फाय तुमने खुद की है, बड़ी हो गया तुमसे। यूचर्स, मैंने इसकी जिंदगी की कीमत ना ली होती तो ये गोली इसके सीने में लगता सही। किसने दी तुम्हें इसकी कीमत? किससे ली तुमने इसके सर की कीमत? इसका दुश्मन गाली से। हम घेरे में है, तरीके से निकलना होगा। कैसे हो आलम? बहुत दूर डेरा बना लिया है तूने, सारे काम वही किए जो एक बदमाश करता है, लेकिन बदमाशों की तरह जीना नहीं सीखा। अगर तू अपना हाथ काली के हाथ में दे देता तो मैं तुम्हें सिखा भी देता, बता भी देता के बदमाश की जिंदगी के पांव एक दलदल के ऊपर होते हैं। तूने दलदल पर कदम तो जमा लिए, लेकिन उस पर चलने का हुनर नहीं सीखा। तू समझा बदमाशी ताकत जवानी और गर्म खून का नाम है? नहीं नहीं नहीं, बदमाशी शतरंज के मुखरों की तरह एक खाने से दूसरे खाने तक चलने वाली चाल का नाम है। जब कुत्ते की मौत आती है तो वो उधर ही भागता है जिधर उसकी मौत खड़ी हो। बहुत अच्छा लगा। आलम, मुझे को गाली दे, मुझे बुरा नहीं लगता। वो इसलिए कि वो अपनी बेबसी का इजहार करता है। तुम इस वक्त बेबस हो, काली के रहमो करम पर हो। याद है आलम, तू मेरे पास आया था, मैंने तुझे सलूट मारा था, आज मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझे सलूट नहीं मारेगा। मार सलूट मुझे, मार सुरूर मुझे, मार सुरूर मुझे, मार सुरूर मुझे। Thank you.
गोली 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 फौरन छोड़ना होगा। मेरी बात तो सुनो। चलो मस्जिद देख रही हो, आओ वहां चले। वहां क्या है? चूचक से किया हुआ वादा पूरा करना है। बाबा जी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। कैसी बदनसीब शादी है हमारी, मैं तो तुम्हें कुछ भी ना दे सका।
आपको यहां मुझे गिरफ्तार करने के लिए लाया गया है। सब पता है इन्हें। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। अम्मा कैसी है? बू जिंदा है अभी। मैंने सायरा से शादी कर ली है। मेरे बाप उसे सहारा जरूर दीजिएगा। अब इस बुड्ढे को निकालो यहां से। दफा करो। तमीज से बात करो। ये बाप है मेरा। तुम सुबह के वजीर हो क्या? हो तुम एक कातिल डाकू दहशतगर्द? ऐसे बेटे के बाप को तो बेटे के साथ ही फांसी चढ़ा देना चाहिए। मेरे बाप की बेइज्जती करता है। मेरे बाप की बेइज्जती करता है। छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। हालात वाकयात का जायजा लेने के बाद अदालत मुलजम आलम को मुजरम करारते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाती। आप आलम के बाप हैं? जी जी। आपके ये अंग्रेजी तो मैं नहीं पढ़ सकता बेटा, लो तुम पढ़ो। क्या हुआ बहू, क्या लिखा है? आलम से आखिरी मुलाकात का सरकारी पैगाम है। अम्मा बस इस तरह रोती रहोगी तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जाना। अब्बू मुझसे कहा गया कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, मेरी कहानी को हर घर में पहुंचा दिया जाए। बदमाशी बहादुरी नहीं, जिल्लत का नाम है, रुसवाई का नाम है, और इसका अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं। अबू
आपने मुझे बहुत प्यार किया और बहुत नफरत भी की, हिसाब बराबर हो गया। अब तो माफी दे दीजिए, आखिरी बार मेरे सर पर हाथ रख दीजिए। कौन माँ बाप अपनी औलाद से नफरत करते हैं? नफरत हमने तेरे कामों से की, तेरे अमलों से की है बेटे। तुझसे नहीं, तू तो हमारा खून है, तो हमने हमेशा प्यार ही किया, मोहब्बत ही की, नफरत की बेटे, नफरत ही की, नफरत ही की, नफरत ही की। चलिए। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, नहीं लेके जाओ मेरे बच्चे को, नहीं। सायरा, इकबाल, इधर आओ। मैं नहीं जाने दूंगी आलम, आलम, मुझे छोड़कर नहीं जा सकता बेटा, बेटा मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी बेटा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना, आलम बनकर जीना सायरा, अच्छा फल आलम। मेरे दोस्त, तू अभी तक नाराज है, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरी भी तो नहीं सुनी। आलम, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। अच्छा चलता हूं, अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं आलम, नहीं नहीं। जग से प्यार है, रब से जंग कर लूं।